छत्तीसगढ़ विधानसभा के विशेष सत्र के दूसरे दिन भी सदन में चर्चा की शुरुआत महात्मा गांधी से हुई, लेकिन नाथुराम गोडसे को लेकर चल रहा बवाल भी इसका हिस्सा रहा। पूर्व मुख्यमंत्री और बीजेपी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह ने कहा कि सदन में पॉजिटिव वातावरण हो सकता है, लेकिन जब नेगेटिव सोच होगी तो कोई कुछ नहीं बदल सकता। इस पर सत्ता पक्ष के कांग्रेस के सदस्यों ने जवाबी वक्तव्य दिए। डॉक्टर रमन सिंह ने कहा कि सत्र के दूसरे दिन सबसे दिलचस्प वाक्य तब हुआ जब सत्ता पक्ष कांग्रेस के विधायक अमितेश शुक्ला सदन से वॉकआउट कर गए। वे सदन में बोलने का मौका उन्हें नहीं मिला, जिससे वो नाराज थे। इसके बाद विपक्ष बीजेपी के विधायक ने ब्रजमोहन अग्रवाल ने अमितेश को मनाया। अमितेश ने सदन से बाहर आकर मीडिया से कहा कि उन्हें बोलने का मौका नहीं दिया गया, इससे वे बड़े दुखी हैं और पार्टी फोरम पर वे अपनी बात रखेंगे। दूसरा, यदि संकल्प लेके आए हैं तो ये संकल्प लेके आते हैं कि पूरा विधानसभा सर्वेश्वर में ये तय करता है कि छत्तीसगढ़ में पूर्ण शराबबंदी करेंगे, तो हम सब तैयार थे। तो तैयारी, बड़ी घोषणा करना है तो बड़े घोषणा करो, पुराने घोषणाओं को रिपीट करने की जरूरत नहीं। नहीं, मैं तो बहरगम कर दिया, मैं तो जा रहा हूँ। दुखी और होके कि मुझे बोलने का मौका नहीं मिला तो बड़ा अफसोस हुआ मुझे, क्योंकि जब से छुटपन से जो है गांधी जी के बारे में सुन रहे हैं, पिताजी से स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लिया, हिस्सा लिया हम लोग के सब लोगों ने, और बोलने का गांधी जी के ऊपर बोलने का मौका ना मिले, ये एक बहुत ही ज्यादा दुख का विषय था। दुखी तो दुखी होकर मैंने बहरगम करा है, मैं किसी पर आरोप या किसी पर कोई अटैक नहीं कर रहा। महात्मा गांधी की 150